इस फल को सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं जो लोग गांव से संबंध रखते हैं। शहर के लोगों के लिए ये फल पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, भवा का पेड़ होता है दोस्तों, ये उसका फल है। इसके अंदर के बीज को कुसली बोला जाता है, जिसका तेल बनता है और यूपी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे गाँव में इसकी सब्ज़ी बनती है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पर वो सारी रेसिपीज़ दिखाऊँ जो कि प्योर यूपी के, मतलब रूरल देहाती साइड से है, तो ये भी उनमें से एक रेसिपी है। इस तरीके से आपको छिलका हटा लेना है और जो ऊपर वाले छिलके और बीज के बीच का हिस्सा यानी कि इसका जो गूदा है उसकी सब्जी हम बनाएंगे। हम लोग इसे कुसली का कोवा बोलते हैं। ये सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, इसमें कोई मसाले वगैरह हम नहीं यूज करेंगे। तो जिन लोगों को सादा भोजन पसंद है उन्हें ये सब्जी बहुत अच्छी लगने वाली है और काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद भी होती है। इसे कुसली बोला जाता है और इसका तेल बनता है और यूपी में इसका तेल काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से गांव में सब्जी बनती है मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। जैसे अभी इसके फल उतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, इसके फल थोड़े से अगर और बड़े होते हैं तो आपको वो गूदे वाला हिस्सा और ज़्यादा निकलेगा। आपने देखा मैंने जो फल लिए हैं उसमें थोड़ा सा पतला ही निकला है, तो उतने बड़े फल अभी नहीं हो पाए थे। अगर ज़्यादा निकल रहा है तो आप उसे चाकू से भी काट सकते हैं या फिर सिंपली हाथ से भी, जिस तरीके से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप उसको छोटा छोटा बस आपको हिस्से में कर लेना है। मैंने सारी की सारी कुसली, मतलब कुसली का कोवा इस तरीके से निकाल लिया। अब इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना। मेरी दादी इसे उबाल के बनाती थी, बाकी बिना उबाले भी कलहार के भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल ज़रा सा सरसों का तेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, एक छोटा चम्मच के जितना, और आधा छोटा चम्मच के जितना जीरे का तड़का दे देंगे। साथ ही में इसमें थोड़ा सा हींग, एक चौथाई छोटा चम्मच के जितना, और ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने दो यूज़ की है, लहसुन मैंने 5 से 6 कलियाँ यूज़ की। ये हम कुसली का कोवा डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे और धीमी आंच पे आपको इसको पका लेना है। थोड़ा सा चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। इतनी सिंपल है ये रेसिपी। आपने देखा हल्दी मैंने बिल्कुल चुटकी भर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। इससे ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालने वाले इस रेसिपी में। ये सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कलहरी हुई पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊँगी। अगर आप मतलब आपका टेस्ट जैसा भी हो, अगर आपको थोड़ा कम कलहरना पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। नमक डाल दें स्वादानुसार। ये सूखी सब्जी ही बनती है, तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। जब इस पे हल्का हल्का कलर आ जाए, आप चाहे तो इसी पॉइंट पे बंद कर सकते हैं। इसके छिलके बहुत पतले थे तो बहुत जल्दी पक जाएंगे, बट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाल करना पसंद है। मे भी आपको ये जला हुआ लग रहा हो, बट मुझे बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी पसंद है इस सब्ज़ी की, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाल करके ये अच्छा लगता है। तो ये हमारी सिंपल कुसली के कोए की सब्ज़ी रेडी है। आई होप दोस्तों आप सभी को आज की ये देसी रेसिपी पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई गांव की रेसिपी और पता हो जो कि अभी तक मेरे चैनल पे शेयर ना हुई हो, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करती है, आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, तो उसको कमेंट सेक्शन में उसका नाम, उस रेसिपी का नाम मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उन पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप कुकिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।